नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। असम से बड़ी खबर है, जहां आपको बता दें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन पहुंचेंगे। आपको बता दें कि यहां पर सुखोई 30 MKI फाइटर जेट से उड़ान भरेंगी तीनों सेनाओं की सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति मुर्मू। भारत की ओर से दुश्मन देशों को एक कड़ा संदेश जाएगा। तेजपुर एयरफोर्स बेस 4 विदेशी सीमाओं से घिरा हुआ है। तो आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू असम के दौरे पर हैं। आज राष्ट्रपति मुर्मू तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन का दौरा करेंगी और सुखोई 30 MKI फाइटर जेट से उड़ान भरेंगी। आपको बता दें कि तीनों सेनाओं की सुप्रीम कमांडर होने के नाते उन्हें सेना की ताकत, हथियार और नीतियों से अवगत कराया जाता है। वहीं राष्ट्रपति मुर्मू से पहले पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल और रामनाथ कोविंद वायुसेना के फाइटर जेट से उड़ान भर चुके हैं। आपको बता दें कि इस वक्त भारत और चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश को लेकर टकराव की स्थिति देखने को मिल रही है। ऐसे में सुखोई विमान से उड़ान भरना राष्ट्रपति का दुश्मन देशों को एक कड़ा संदेश भी देने की कोशिश होगी। तो आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक तरीके से इतिहास रचने जा रही हैं और आपको बता दें कि वो सुखोई 30 MKI फाइटर जेट से आज उड़ान भरेंगे। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन दक्षिण भारत पर रहने वाले हैं। आपको बता दें कि तेलंगाना और तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज हैदराबाद तेलंगाना को PM सौगात देंगे, जिसमें सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत को हरी झंडी दिखाएंगे। तो PM मोदी परेड ग्राउंड में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। आपको बता दें कि 11,300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। 720 करोड़ की रुपए की लागत से तैयार होगा सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन। विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस होगा सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन। तो आज तेलंगाना को काफी सारी सौगात मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये सौगात देने वाले हैं और आपको बता दें कि इसके अलावा तमिलनाडु के दौरे पर भी प्रधानमंत्री रहेंगे। सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। तेलंगाना को करीब 11,300 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होगा। साथ ही PM मोदी हैदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। आपको बता दें कि तेलंगाना के सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास 720 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। इसकी योजना इस तरह से बनाई जा रही है कि यह विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस होगा। तो आपको बता दें कि तेलंगाना के दौरे के बाद प्रधानमंत्री तमिलनाडु के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां वे दोपहर करीब 3 बजे चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के एक एकीकृत टर्मिनल भवन फेज 1 का उद्घाटन करने वाले हैं। तो तेलंगाना और तमिलनाडु को सौगात मिलने वाली है। तो देखिए सौगात किस तरीके से मिलने वाली है वो भी हम आपको बता रहे हैं। रेलवे स्टेशन, वंदे भारत रोड, एयरपोर्ट, एम्स की सौगात आज मिलने वाली है। आपको बता दें चेन्नई एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन भी करने वाले हैं PM। चेन्नई कोयम्बटूर वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाने वाले हैं। चेन्नई में श्री रामकृष्ण मठ की 125वीं वर्षगांठ समारोह में भाग लेंगे। चेन्नई के अल स्ट्रॉम क्रिकेट मैदान में एक सार्वजनिक कार्यक्रम की अध्यक्षता भी करेंगे। इसके अलावा करीब 3,700 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी प्रधानमंत्री आज करने वाले हैं। तो मिशन साउथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, कर्नाटक विधानसभा चुनाव पर BJP का मंथन होने जा रहा है। ये बड़ी खबर, कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में अब BJP आज मंथन करने वाली है। आज कर्नाटक BJP कोर ग्रुप की बैठक होगी। JP नड्डा की अध्यक्षता में सुबह 10:30 बजे ये बैठक होने वाली है। BJP उम्मीदवारों के नामों पर जल्द फैसला होगा। संगठन महामंत्री BL संतोष, कर्नाटक प्रभारी अरुण सिंह इस बैठक में शामिल होंगे। कर्नाटक के पूर्व CM BS येदियुरप्पा, धर्मेंद्र प्रधान भी इस बैठक में शामिल होंगे। BJP के कई बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। तो आपको बता दें कि कर्नाटक चुनाव सिर पर है और ऐसे में आपको बता दें BJP अब पूरा जोर लगा रही है
और बताया जा रहा है कि उम्मीदवार तय करने के लिए आज सुबह 10:30 बजे कर्नाटक बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होने वाली है, जहां इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन महामंत्री बीएल संतोष, कर्नाटक प्रभारी अरुण सिंह, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा, धर्मेंद्र प्रधान और कई बड़े बीजेपी के नेता शामिल होंगे। हालांकि सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि इस बैठक में मुख्यमंत्री कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा मौजूद रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के शीर्ष नेताओं की ओर से चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची तय करने की संभावना है। और अब बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी आज चमोली के दौरे पर रहने वाले हैं। सुबह 10:15 बजे चमोली रवाना होंगे। मैराथन 2023 के शुभारंभ कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। जोशीमठ आपदा राहत और बचाव कार्यों की भी समीक्षा करने वाले हैं। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज चमोली के दौरे पर रहेंगे। अगर सीएम धामी के कार्यक्रम की बात कर ले तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुबह 10:15 पर देहरादून से चमोली के लिए रवाना होंगे, जिसके बाद सुबह 11:00 बजे आर्मी हेलीपैड जोशीमठ पहुंचेंगे। 11:20 पर नरसिंह नव दुर्गा मंदिर प्रांगण जोशीमठ पहुंचेंगे। साथ ही मैराथन 2023 के शुभारंभ कार्यक्रम में भी शामिल होंगे पुष्कर सिंह धामी। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का एक बड़ा बयान सामने आया है। भारत के पहले आतंकवादी का नाम नाथूराम गोडसे, ये कहा है ओवैसी ने, देश का पहला आतंकी ने गांधी जी को मारा। गांधी जी की तस्वीर लेकर घूम रहे लोग, ये लोग कौन हैं और ये कैसी पुलिस है जो चुप बैठी है? तो ये बड़ी खबर, AIMIM प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने नाथूराम गोडसे के मुद्दे पर परोक्ष रूप से बीजेपी पर निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा कि भारत के पहले आतंकवादी का नाम नाथूराम गोडसे है, जिसने गांधी जी को मारा और उसकी फोटो लेकर हैदराबाद में लोग घूम रहे हैं, ये लोग कौन है और ये कैसी पुलिस है जो चुप बैठी है? अगर कोई ओसामा बिन लादेन का फोटो लेकर घूमता तो पुलिस उसके घर के दरवाजे को तोड़ देती। बता दें कि बीजेपी से निलंबित चल रहे विधायक टी राजा सिंह की अगुवाई में हैदराबाद में 30 मार्च को रामनवमी के अवसर पर एक शोभा यात्रा निकाली गई थी। जुलूस में नाथूराम गोडसे की तस्वीर भी देखी गई थी। शोभा यात्रा हैदराबाद के सीताराम बाग मंदिर से शुरू हुई थी और टी राजा सिंह के विधानसभा क्षेत्र गोशा महल के कई इलाकों से होकर गुजरी थी। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर है। यहां पीवीसी बाजार में एक प्लास्टिक के गोदाम में भीषण आग लग गई है। मौके पर करीब 25 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आग बुझाने के प्रयास लगातार चल रहे हैं, लेकिन फिलहाल की स्थिति आपको बता दें कि आग पर काबू पाने के प्रयास चल रहे हैं, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, ये राहत की बात है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, दिल्ली के पीवीसी बाजार के एक प्लास्टिक गोदाम में आग लगी है। ये तस्वीरें, क्योंकि गोदाम प्लास्टिक का है, इसकी वजह से आग और भड़क रही है। ये तस्वीर आप देखें, आग बुझाने के लिए 25 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो हैं वो मौके पर मौजूद हैं। ये देश की राजधानी दिल्ली से तस्वीर, जहां पीवीसी बाजार में प्लास्टिक के गोदाम में भीषण आग लग गई। और देखिए, दो तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, एक तस्वीर जो देर रात की है जब आग लगी, और दूसरी जो तस्वीर है वो सुबह की है जब आग बुझाने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। तो फिलहाल आग पर काबू नहीं पाया जा सका है और आग पर काबू पाने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। धुएं का गुबार जिस तरीके से उठ रहा है, आग की लपटें जिस तरीके से उठ रही हैं, चुनौतियां काफी ज्यादा फायर ब्रिगेड के सामने कि जल्द से जल्द आग पर काबू पा लिया जाए, क्योंकि प्लास्टिक का गोदाम है और ऐसे में आग जो है वो और ज्यादा भड़क रही है। जल्दी फैल रही थी, मौके की ग्रेविटी को देखते हुए इस आग को मीडियम कैटेगरी का घोषित किया गया। टोटल 26 गाड़ियां यहाँ फायर पे काम कर रही हैं। ऐसा सच अभी कोई जान माल की अभी कोई
कोई सूचना नहीं है, फिर भी इसको जब जाने से पहले हम लोग पूरा चेक करेंगे। आसपास पब्लिक से पता किया, किसी के अंदर हताहत होने के कोई चांस नहीं है। क्या चीज़ है सर इसमें आग लगी है? ये सारा प्लास्टिक वेस्ट है, उनके ढेर हैं ये, और तेज हवा चलने के कारण ये आग जल्दी से फैली। इसमें सिचुएशन कंट्रोल है, आगे फैलने आग फैले नहीं, उस हिसाब से हम लोगों ने तीन जगह से इसमें ब्रांचेज लगाई हुई थी, तो फैलने के चांस कम है। बाकी जैसा ही है, क्योंकि प्लास्टिक की आग है, थोड़ा टाइम लगेगा। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना से निपटने की तैयारी अब तेज हो गई है। पूरे देश में कोरोना को लेकर मॉक ड्रिल किया जाएगा। सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों को निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने निर्देश दिए हैं। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इसी को लेकर के कल एक बैठक हुई थी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में। और आपको बता दें कि देश में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को सतर्कता बरतने और लोगों में अनावश्यक डर फैलने से रोकने के लिए कहा है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों को तैयारियों का जायजा लेने के लिए सभी स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों पर 10 और 11 अप्रैल को मॉक ड्रिल करने के लिए कहा गया है। वहीं देश में अगर बीते 24 घंटे की बात कर ली जाए तो 6000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। ये पिछले 203 दिनों के बाद की स्थिति बनी है। आपको बता दें कि 8 राज्यों में कोरोना के मामले सबसे अधिक देखे जा रहे हैं, जिसमें केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली के कई जिले शामिल हैं। संक्रमण दर जो है वो 10% से ज्यादा हो गया है। भारत में कोविड-19 के मामले अब धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। रोजाना औसतन अगर देखा जाए तो 7 अप्रैल को जो सप्ताह समाप्त हुआ था उसमें 4188 केस आए थे, और 17 मार्च की स्थिति यह थी कि 571 केस दर्ज किए गए थे। तो अब कोविड के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं, जिसमें बीते 24 घंटे में 6000 से ज्यादा मामले सामने आए और इसने चुनौतियां एक बार फिर से बढ़ा दी हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इंडिगो फ्लाइट में एक और कांड सामने आया। नशे में धुत पैसेंजर ने फिर बवाल किया है। पैसेंजर ने इमरजेंसी डोर खोलने की कोशिश की। नशे में धुत पैसेंजर को CISF को सौंप दिया गया है। तो अब देखिए, इंडिगो में आए दिन इस तरीके की तस्वीरें जो है वो सामने आती रही हैं। अब एक बार फिर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि पैसेंजर ने इमरजेंसी डोर को खोलने की कोशिश की। तो इस वक्त की बड़ी खबर, इंडिगो की फ्लाइट की अगर बात कर ली जाए तो आए दिन इंडिगो की फ्लाइट से जुड़ी इस तरीके की जानकारी निकल करके सामने आती रही है। और आज एक बार फिर से इंडिगो की फ्लाइट में एक शख्स जो कि नशे में धुत था, उसने बवाल किया है। और आपको बता दें कि इमरजेंसी डोर को खोलने की कोशिश पैसेंजर की तरफ से की गई जो कि नशे में धुत था। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का अयोध्या दौरा। अयोध्या में करेंगे रामलला के दर्शन। सीएम बनने के बाद पहली बार अयोध्या जाएंगे, राम मंदिर के निर्माण स्थल का निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा लक्ष्मण कला मंदिर में संतों का आशीर्वाद भी लेंगे। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे आज अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे अपने 40 विधायकों के साथ अयोध्या आएंगे। वहीं सीएम बनने के बाद पहली बार एकनाथ शिंदे भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। सीएम शिंदे और उनके सांसद बेटे श्रीकांत शिंदे ने मुंबई से सटे ठाणे रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर अपने कार्यकर्ताओं को अयोध्या के लिए रवाना किया है। आपको बता दें कि सीएम शिंदे आखिरी बार 3 साल पहले अयोध्या तत्कालीन शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के साथ आए थे। ऐसे में कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री द्वारा तैयार कार्यक्रम में रामलीला, हनुमानगढ़ी दर्शन पूजन, राम मंदिर के निर्माण स्थल का निरीक्षण, आरती और लक्ष्मण किला मंदिर में संतों का आशीर्वाद लेना शामिल है। वहीं एकनाथ शिंदे शाम को सरयू आरती करने के बाद मुंबई वापस लौट जाएंगे।
एक बड़ी खबर आपको बता दें, गाड़ी मकान की ईएमआई अब, माफ कीजिएगा, मकान हो ही नहीं, अब ईएमआई पर भी मिल रहे हैं आम। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है, गाड़ी मकान तो आप ईएमआई पे लेते थे, अब आम भी ईएमआई पर मिल रहे हैं। आपको बता दें कि आम का मजा लीजिए और किस्तों में पैसे चुकाइए। पुणे के कारोबारी ने ये अनोखी स्कीम निकाली है। गर्मी का मौसम हो और आम की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हर भारतीय के दिल में आम की एक खास जगह है और ये खास जगह कुछ बरसों या दशकों से नहीं बल्कि सदियों से है। अब ऐसे में आम बेचने की एक स्कीम पुणे में एक व्यापारी दे रहा है, जिसमें आप ईएमआई पर अल्फांसो आम ले सकते हैं। तो देखिए, आम का सीजन आ गया है, गर्मी के मौसम में फलों का राजा आम, और अब ऐसे में अगर आम लेना है आपको पुणे में, अगर आप रहते हैं तो वहां, अगर आपको किसी भी तरीके की पैसे की दिक्कत है तो आप ईएमआई पर आम ले सकते हैं। ऐड आ रहा है, बोले देखेंगे क्या चालू है, न्यूज़ में आया है, मैं देख, मुझे बोले देखेंगे क्या चालू है। मैं पहले फर्स्ट टाइम देखा मैं ये आम पे। ये तो बढ़िया कंसेप्ट इन्होंने चालू की है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि हमारे दिमाग में कभी ऐसे आया नहीं था कि अरे ईएमआई पे आम मिलेगा। ये थोड़ा सा अलग बट यूनिक कॉन्सेप्ट है, तो ये बहुत अच्छा लगा सुन के कि चलो अभी ईएमआई पे आम मिलेगा। आपने खरीदा आम यहाँ पर? हाँ डेफिनेटली, मैं यही पास में रहती हूँ, तो बहुत बार हम लोग इनसे ही खरीदते हैं आम। तो अभी मैंने फिलहाल खरीदा है आम, तो मैंने वो पूरा इंस्टॉलमेंट पे लिया है। ईएमआई में कैसा है कि आप समझो अगर एक पेटी लेते हैं हमारे पास से, समझो उसका टेंटेटिवली कॉस्ट है 5,000 रुपीज़ कॉस्ट है, तो वो 5,000 आपके हिसाब से, आप अगर बोलते हैं 3 महीने में आपको पे करना है, 6 महीने में पे करना है, 6 महीने में पे करना है या 9 महीने में पे करना है या 12 महीने में पे करना है, 18 मंथ्स का इसका ऑप्शन है हमारे पास। 18 मंथ्स तक आपको जब जो भी ऑप्शन चाहिए वो हम उसमें सिलेक्ट करके दे देते हैं। हमने लॉकडाउन में देखा कि लॉकडाउन में क्या हो गया था कि लॉकडाउन में करीबन 3 साल का पीरियड जो था उसमें हमारा जो बिज़नेस था वो नियर अबाउट हाफ के इधर आ गया था, कि कस्टमर्स जो है आम से दूर जा रहे थे और उनका इंटरेस्ट उसमें से निकल रहा था। तो उसके हिसाब से हमने ये सोचा कि बाबा कुछ तो अलग करेंगे कि बाबा सब कस्टमर के थ्रू ये सब कस्टमर को तक पहुँच सके, वो हिसाब से फिर हमने ईएमआई सिस्टम का ये ऑफर चालू किया। एक बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार से है, जहां सासाराम में इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है। 8 दिन बाद सासाराम में इंटरनेट सेवाओं को शुरू किया गया है। हिंसा के बाद से 31 मार्च से यहां पर इंटरनेट सेवाओं को बैन कर दिया गया था। सोशल साइट पर नजर रखने के लिए विशेष टीम का गठन किया गया है। बिहार में रामनवमी पर हुई हिंसा के बाद अब धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं। रामनवमी के दिन हालात बिगड़ने पर नालंदा और सासाराम में इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया था। आज 8 दिनों के बाद सासाराम में इंटरनेट सेवा फिर से बहाल कर दी गई है। तो आपको बता दें कि सासाराम में इंटरनेट सेवाओं को फिर से बहाल कर दिया गया है। करीब 8 दिनों के बाद इंटरनेट सेवाओं को शुरू किया गया है। 31 मार्च को इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थी सासाराम और नालंदा में, लेकिन अब इंटरनेट सेवाओं को बहाल कर दिया गया है। दिल्ली में समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी शामिल हुए। यहां उन्होंने डाक टिकट जारी किया। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने विदेशों में लोकतांत्रिक संस्थाओं की छवि धूमिल करने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जब हमारे ही देश के कुछ लोग विदेश जाकर हमारी ही छवि खराब करते हैं तो दुख होता है। जब अपनों में से कुछ लोग विदेशी भूमि पर जाकर उभरते हुए भारत की तस्वीर को धूमिल करने का प्रयास करते हैं, इस पर अंकुश लगना चाहिए। समझ में नहीं आता, सच्चे मन से भारतीयता और भारत में विश्वास करने वाला व्यक्ति भारत के सुधार की सोचेगा
सुधार में सहयोग करने की सोचेगा। हो सकता है कमियां हो, उन कमियों को दूर करने की सोचेगा, पर विदेश में जाकर नुक्ताचीनी करना, विदेश में जाकर संस्थाओं के ऊपर वो टिप्पणी करना जो हर मापदंड पर अमर्यादित है, स्वामी जी के इस सोच के विपरीत आचरण है। और स्वामी जी का सोच उस समय था जब विदेशी ताकतें यहां पर हावी थी। ये बयान देना उनके लिए आसान नहीं था। आज तो हम स्वतंत्र हैं, अमृत काल में हैं। गुवाहाटी हाई कोर्ट के प्लैटिनम जुबली समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि संवैधानिक स्टेट्समैनशिप के लिए न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच सार्वजनिक दिखावे की जगह विचार विमर्श और संवाद की आवश्यकता है। The relations between the executive and the judiciary on the administrative side have to be marked by a sense of robust constitutional statesmanship. All three arms of the state, the legislature, the executive and the judiciary, are engaged in the common task of nation building. But on the judicial side, the confidence and faith of the citizens and the judiciary lies in a fierce sense of our own judicial independence. The legitimacy of the judiciary as an institution depends on the faith which we command of our citizens, and that faith is determined by one factor and one factor and alone, which is whether we become the first and the last choice of access to the citizens in times of distress and need. Constitutional statesmanship, above all, whether it is on the administrative or on the judicial side, requires deliberation. It requires dialogue, not public. तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।